क्या पढ़ रही हैं? शैला आंटी ने आपको फ़ोन किया था, वो आपसे बात करना चाह रही थी। आपने उनकी कॉल नहीं उठाई। आपने उठा लिया ना, काफ़ी है। मामा प्लीज़, क्या हो गया आपको? ऐसे वक्त में तो कोई दुश्मन भी किसी के साथ ऐसा नहीं करता। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आपको इतना बुरा लग रहा है? कुछ नहीं किया आपने। क्या किया है मैंने, आप ही बता दें। हॉस्पिटल में आपको वो सब बातें निकालने की क्या ज़रूरत थी? आप जानती थी वो कितनी परेशान है, फिर भी उन पर तंज कर रही थी, और अब आप जानबूझकर उनकी कॉल नहीं उठा रही। अच्छा अच्छा रहने दें, आपकी बात हो गई है ना। आप बता दें कि वो क्या कह रही थी। हाजरा भाभी की तबीयत के बारे में आपको इतला देना चाहती थी। वो बेहतर हैं और घर आ चुकी हैं। तो हमें मुझे बताने की क्या ज़रूरत है? आपको फैमिली कंसिडर करती हैं, उन्हें लगा आप फिक्रमंद होंगी। चलो अच्छी बात है, अगर वो ऐसा समझती है तो उन्हें बता देना कि मेरी फिक्र दूर हो गई। मामा हमें हाजरा भाभी के घर उनसे मिलने, उनको देखने जाना चाहिए। हम अस्पताल हो आए थे ना, अब इस वक्त हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? मामा प्लीज मेरी खातिर। आप जानती हैं उन्होंने मुझे सुहेल भाई की बर्थडे पर कितने प्यार से बुलाया था, हालांकि वो उनका पर्सनल इवेंट था। प्लीज मामा। अच्छा ठीक है, मगर सिर्फ आपकी खातिर। और हाँ, हम वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ओके मैं चेंज कर लूँ।